नमस्कार दोस्तों, एशियाई खेलों के 8वें दिन का रिजल्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। तो वेलकम टू स्पोर्ट्स मेनिया, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एशियाई खेलों के 8वें दिन भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल्स की बारिश करते हुए देशवासियों को झूमने का मौका दे दिया। आज भारत ने कुल मिलाकर 15 मेडल अपने नाम किए। जिस दिन की शुरुआत की भारत ने गोल्ड मेडल के साथ, जहां भारत की मेंस टैप टीम ने शूटिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो वहीं टीम के मेंबर कैनन चेन्नई ने इंडिविजुअल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जहाँ पुरुष टीम ने गोल्ड पर निशाना लगाया, तो वहीं महिला टीम ने भी ट्रैप टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद बात करते हैं हम एथलेटिक्स इवेंट की, तो यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने आज मेडल जीत करके झंडे ही गाड़ दिए। भारत के शॉट पुटर तेजिंदर सिंह ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो वहीं 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट में भारत के अविनाश साबले ने गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया। वह एशियाई खेलों के इतिहास में इस इवेंट में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय रहे। तो वहीं 100 मीटर हर्डल स्पर्धा में भारत की ज्योति यारजी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इनके बारे में मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। बात करें अगर 1500 मीटर फिनाले में, तो यहां भारत के अजय कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो वहीं इन्हीं के साथ ही जॉनसन जॉनसन ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करके इस इवेंट में भारत को दो पदक दिला दिए। 1500 मीटर वुमेन्स इवेंट में भारत की हरमिलन बैंस ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। बात करें अगर लॉन्ग जंप की, तो भारत के मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम करके देश के पदकों की संख्या को बढ़ाया। वुमेन्स हेप्थलॉन 800 मीटर में भारत की नंदिनी अगसारा को ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी मिली। तो वहीं भारत की सीमा पूनिया ने वुमेन्स डिस्कस थ्रो के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इनके अलावा अगर बात करें जाए बैडमिंटन की, तो भारत की मेंस टीम ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारत की टीम को फाइनल में चीन के हाथों कड़े मुकाबले में 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। गोल्फ में भारत की अदिति अशोक ने एशियाई खेलों के इतिहास में भारत को पहला सिल्वर मेडल दिलवाया। यह गोल्फ इवेंट में भारत का पहला मेडल भी रहा। बॉक्सिंग में भारत की निकहत जरीन को अप्रत्याशित रूप से सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा और इस बार उन्हें ब्रॉन्ज मेडल से ही संतोष करना पड़ेगा। यह 2022 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद से निकहत की पहली हार रही। निकहत के अलावा भारत की परवीन ने 57 केजी वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में जगह बनाते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया। इनके अलावा भारत की प्रीति पवार ने 54 केजी वेट कैटेगरी में सेमीफाइनल में जगह बना ली है और साथ ही पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। बात करें हॉकी की, तो भारत की वुमेन्स हॉकी टीम ने कोरियन टीम के सामने 1-1 से ड्रॉ खेलते हुए अपने ग्रुप दौर का मैच खत्म किया।